सर, जो नए सीबीआई डायरेक्टर अभी अपॉइंट हुए हैं उसके ऊपर भी कई तरह के आरोप नहीं, इसमें ये उड़ीसा कैडर के हैं और उड़ीसा के विभिन्न साथियों के और जो वहां के सीनियर आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी हैं उनसे जो बातें छनकर आई है कि एक बार इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 272 करोड़ रुपया के घोटाले का मामला जांच करने को मिला था, उसमें भी इन्होंने लीपापोती करने का काम किया। उसके बाद इसको हिंदुस्तान टेलीफोन टेलीप्रिंटर लिमिटेड के भी जो पदाधिकारी थे उसके उस पर जब जांच करने में पक्के सबूत मिलने के बावजूद भी उसको रफा दफा करने का काम किया था। और यह साफ जगजाहिर है कि यह आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, तो निश्चय ही ऐसी परिस्थितियां में उस पर उंगली उठाना लाजिमी है और देश के लिए यह ही बहुत ही काला और दुर्भाग्य दिन, जिस दिन उसका नियुक्ति हुई, ये काला दिन साबित।